हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रीका का वैक्स करने वाली हूँ अपने पैरों में, जो कि आर्गन ऑयल का है। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, तो मैं यहाँ पे आर्गन ऑयल का रीका वैक्स यूज़ करने वाली हूँ। लिपो सोलूबल वैक्स इसको बोला जाता है। और ये जो वैक्स है ना, वो 1,000 या 1,100 के समथिंग का ये पड़ता है। और इसका पार्लर में, जैसे अगर आप वैक्स कराने जाओ, तो काफ़ी महंगा पड़ता है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली वैक्स कराते हो, तो अगर आप 150 रुपये अपने हाथों का देते हो, तो इसका दुगना आपको चार्ज देना पड़ेगा, 300 हाथों का। अगर आप पैर का चार्ज 300 देते हो, हाफ लेग, तो अगर आप रीका वैक्स से कराते हो, तो आपको 600 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है इस वैक्स के बारे में जानकारी। ये कुछ इस तरह से टीना टीना जिसको बोलते हैं ना, उसी तरह का है ये। और इसको जब मैं खरीदी थी ना, तो इसके साथ एक मशीन भी लेना मस्ट है। जैसे इसके लिए ना, एक आपको मशीन चाहिए जिसमें बस इसको डायरेक्ट आपको डिप करना है, गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना रीका वैक्स यूज़ करने के लिए पाउडर की नहीं, वाटर की नहीं, यानी पानी की भी नहीं, आपको नारियल तेल की ज़रूरत होगी। और आप कोई भी पैरासूट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो निहार भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रही हूँ। इससे तो मुझे ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ और भी जुगाड़ लगाऊंगी। देखिए इस तरह से इसका ना ऊपर से कैप नहीं दिया हुआ था, एक मिसिंग था, तो मैं ये वाला खरीदी नहीं थी, मेरे हस्बैंड ही खरीद कर लाए थे। तो देखिए ये तो ओपन हो गया, लेकिन इसके ऊपर का अगर ओपन करके, तो इसको मैं फेंक दूंगी, लेकिन इसका कवर मेरे पास नहीं था। तो मैं पहले एक और था मेरे पास रीका वैक्स का ढक्कन, तो वही मैं बाद में इसमें लगा दूंगी। तो ये चीज़ें अगर आप रीका वैक्स खरीदने जाओ, तो ज़रूर ध्यान से देखना। इसकी जो स्मेल थी ना, काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए ये मशीन है, ये वाली मशीन ना 1500 की मैंने खरीदी थी। ये मशीन है ANG का, इसकी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। देखिए नारियल तेल यहाँ पे मैं निकाली हूँ ना, देखिए इस तरह से। कोई भी नारियल तेल आपको लेना है, वैसे रीका वैक्स करने के पहले आपको प्री और पोस्ट भी मिलता है, दुकान में आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। मतलब जैसे रीका वैक्स करने वाली है ना, तो प्री यानी उसके पहले आप स्किन पे लगा लो, वो मिलेगा। और वैक्स जैसे हो जाएगा, तो उसके बाद आप क्या पैरों में लगाओगे, वो भी आपको मिलता है, लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो मैं वो सब नहीं ली हूँ, नॉर्मली आपको दिखा रही हूँ कि अगर आप चाहे तो रीका वैक्स खरीद लीजिए और घर पर भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं गर्म करने के लिए चढ़ा दी हूँ, देखिए इस पे डायरेक्ट मैं उसको डाल दी हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पाउडर भी लूँगी, ऑयल भी लूँगी, और ये रीका वैक्स को यहाँ पे देखिए गर्म भी कर ली हूँ मैं। रीका वैक्स ना बहुत ही कम क्वांटिटी में लगता है, और आपको बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लगता है, और बहुत ही स्मूथली बाल को रिमूव कर देता है। इसके बेनिफिट ये हैं कि रीका वैक्स कराने से आपका, एक तो वैक्स का बहुत कम क्वांटिटी लगता है, एक ही बार में आपके जो हेयर है ना, काफ़ी अच्छे रिमूव हो जाते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं। और ये ना बहुत ही लेट से बाल निकलते हैं, जहाँ भी वैक्स होता है ना, बहुत लेट से बाल निकलते हैं, और ग्रोथ का जो टाइम है वो कम हो जाता है। अगर ये वैक्स कराते हो, तो आपका 1.5-2 मंथ तक आपके हेयर बहुत धीरे धीरे निकलेंगे, और इसका कंटिन्यू अगर आप उपयोग करते हो, तो धीरे धीरे हेयर भी बहुत ही कम हो जाएंगे आपके हाथों पैरों में, जहाँ भी आप यूज़ करते हो। आज मैं अपने पैरों में कराने वाली हूँ ये वैक्स। मेरे पैरों के हेयर काफ़ी लॉन्ग हो गए हैं, तो मैं, मुझे लगता है 1.5-2 साल से मैंने वैक्स किया ही नहीं है, और ये काफ़ी बड़े भी हैं। तो देखिए वैक्स जो है ना, जब मैं उस मशीन में गर्म की, उसके बाद वहाँ से उतार करके रख दी, यानी कि मशीन से निकाल करके जहाँ मन है वहाँ रख करके, और वैक्स शुरू किया जा सकता है। इसको यूज़ करने के लिए हाथों में लगाना बहुत ज़रूरी है नारियल का तेल। अगर आप नहीं लगाते हैं, तो फिर हाथों में चिपचिप हो जाएगी और ये रिमूव नहीं होगा। तो जैसे नॉर्मल वैक्स जो होता है ना, हम लोग पानी से हाथ धो लेते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो ठंड का मौसम है या फिर गर्मी का ही मौसम है, यहाँ पे सबसे पहले मैं पाउडर लगाती हूँ। यहाँ पे देखिए पाउडर लग गया है। अब उसके बाद जो रीका वैक्स है ना, उसका बहुत ही कम क्वांटिटी लेना है। देखिए अगर रीका वैक्स गर्म है अच्छे से, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना है, तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। बहुत हल्का सा ही गर्म था, बहुत ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत गर्म है, फूकना चाहिए या जल्दी से पट्टी लगा करके उसको रिमूव करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था। ये इतना गर्म था और इतना
मतलब पिघला हुआ था ना, उसके बावजूद मुझे गर्म लग ही नहीं रहा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से इसकी लेयर लगा लेनी है और उसके बाद फिर पट्टी लगेगी। तो जो भी वैक्स था, देखिए जब बहुत ही पतला हो जाता है वैक्स तो इस चम्मच में भी नहीं निकलता। आप चाहे तो कोई भी चम्मच ले सकते हैं, स्पून, देखिए यहाँ पे ना वैक्स का आप स्पून ले सकते हैं, चक्कू आता है उससे, या फिर ये लकड़ी वाला जो है उससे भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद आपको एक पट्टी चाहिए होगी, पट्टी इस तरह से लगा करके उसको अच्छे से पेस्ट करना है। उसके बाद वन टाइम में ही आपको जोर से निकालना है। एक ही बार में पूरा क्लीन हो गया था, उतना दूर का मेरा पैर, और हेयर देखिए कितने लॉन्ग लॉन्ग यहाँ दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा हेयर निकला है और मैं यहाँ नज़दीक से दिखाती हूँ, बिल्कुल ही क्लीन हो गया है एक ही बार में। और नॉर्मल वैक्स के साथ क्या होता है ना कि एक दो बाल तो रह ही जाते हैं या कुछ कुछ और भी रह जाते हैं, लेकिन इससे कराने का जो मज़ा है ना, वो मैं पहली बार ली हूँ। एक ही बार में सारे हेयर निकल गए, जहाँ जहाँ क्रीम लगा था वहाँ हेयर निकल गए, एक भी बाल नहीं छूटा था, और बिना पेन का। इस वैक्स को कराने से काफ़ी सारे फायदे, एक तो कि आपको दर्द कम होगा, दूसरा आपको जो हेयर है ना आपका, वो काफ़ी लेट से निकलेगा, और स्किन जो है ना काफ़ी अच्छा शाइनी हो जाता है, टैन आपका दूर हो जाता है, जो भी धूल मिट्टी गंदगी चिपकी हुई ना आपके पैरों से वो निकल जाती है, और इतना कम क्वांटिटी में आपका वैक्स भी लगता है, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये अगर आपने कभी नहीं कराया है तो आप लोग एक बार रिका वैक्स ज़रूर कराइए। और दूसरा ये भी है ना, आपको ये सबसे अच्छी बात लगी, अगर आपने नॉर्मल वैक्स कराई है तो आपको याद होगा कि जैसे ही वो पैरों में या हाथों में स्किन पर टच होती है, थोड़ा सा गर्म लगता है और हमें ना बर्दाश्त करना पड़ता है थोड़ा सा गर्म, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा, बिल्कुल ही गर्म नहीं था। देखिए अभी तो ठंडा का टाइम है, लेकिन जैसे ठंडा के टाइम में थोड़ा थोड़ा गर्म आप बर्दाश्त कर लोगे, तो ये जब वैक्स लग रहा था ना तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये गर्म है, बस ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा गुनगुना पानी होता ना, बस वैसा ही हल्का सा महसूस हुआ मुझे। और वैक्स भी बहुत आराम से जल्दी जल्दी हो जा रहा था, बहुत ही कम समय में पैरों का वैक्स हो गया। तो एक पैरों में वैक्स करके मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके बाद वैक्स करने के बाद दोनों पैरों में क्या रिजल्ट आया है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो देखिए एक पैरों का वैक्स कर ली मैं, और नीचे के भी जो पैरों के पार्ट्स है ना जहाँ हेयर नहीं है वहाँ पर भी वैक्स करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पैर है ना वो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी जो चिपक चिपक के ना स्किन को काफ़ी ज़्यादा ब्लैक बना देती है, तो वहाँ पर भी करना ज़रूरी है। तो इधर के भी हेयर देखिए अभी करने बाकी हैं, तो अभी तो सामने के हो गए, अब इस साइड से होंगे, तो यहाँ पर भी देखिए वैक्स लगाया जा रहा है। और पहले तो वैक्स जैसे लगाया जा रहा है ना, तो एक पट्टी जहाँ तक यूज़ हो जाए उतना तक स्क्वायर शेप में, मतलब रेक्टेंगल शेप में ये वैक्स लग रहा है। देखिए जैसे जैसे वैक्स ठंडी होगी ना, वैसे वैसे वैक्स आपका क्वांटिटी ज़्यादा लगने लगेगा, तो थोड़ा सा वैक्स को गर्म करना है ज़्यादा, कितना भी आप ज़्यादा गर्म कर लो ना आपको गर्म नहीं लगेगा। देखिए ये बात बहुत अच्छी है कि कितना भी वैक्स को गर्म कर लो उसके बाद स्किन पे लगाओ, मतलब जैसे ही वैक्स गर्म हो गई यानी कि वो पतला हो गया, उसके बाद आप स्किन पे लगाओ, आपको गर्म बिल्कुल भी नहीं लगेगा ज़्यादा, आप लगा पाओगे आराम से। हेयर देख सकते हैं कितना अच्छा निकला है, बड़ा बड़ा सारा बाल इसमें निकल गया है। इससे करने पे पट्टी भी काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ हुई, मुझे ये लगा कि जो वैक्स की पट्टी थी ना वो भी कम यूज़ हुई है। अब इधर भी वैक्स होगा। अगर आप लोग रिका वैक्स कभी कराए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो घर पे भी इस तरह से आराम से कर सकते हैं। बहुत लोग रिका वैक्स के बारे में नहीं जानते होंगे, खैर मैं भी नहीं जानती थी, अभी जस्ट ही मुझे, जैसे कि ये ना बहुत पहले टाइम में ये नहीं था, तो जो रिका वैक्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, और ये ना आर्गन ऑयल का है, इसका जो स्मेल था ना बिल्कुल एक मिठाई की तरह था, जैसे कस्टर्ड होता है ना वैसे ही, बहुत ही अच्छा लग रहा था, अगर आप कराओगे ना तो लगेगा कि इसको खा लिया जाए, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो आप कराइए और इन्जॉय कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं पाउडर से कर रही हूँ। वैसे आप चाहो तो पाउडर नहीं भी लगा सकते क्योंकि अभी तो ठंड का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर ले रही हूँ पाउडर से। ठीक है, मैं इनको यहाँ बता रही थी ना कि वैक्स करने का जो तरीका है, अगर पूरा ऊपर से नीचे वैक्स लग रहा है तो सबसे पहले नीचे पट्टी लगेगी और रिमूव होगी हेयर, उसके बाद फिर ऊपर पट्टी लगेगी फिर रिमूव होगी। तो ये मैं इनको बता रही थी। उसके बाद देखिए वैक्स लेने का तरीका, चम्मच में लेकर के उसको राउंड राउंड करना है ताकि जो वैक्स है ना वो नीचे मतलब गिरे नहीं, इसलिए यहाँ पे एक पट्टी रख लेना है हाथों के पास में ही ताकि उसका एक भी बूंद जो है ना इधर उधर ना गिरे, क्योंकि उसके बाद उसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिप चिप होता है रिका वैक्स। इसको ऑयल के ज़रिए ही रिमूव किया जा सकता है, पानी से बिल्कुल ही रिमूव नहीं होता है ये। और वैक्स के बाद क्या है ना, अगर जैसे पूरा कंप्लीट पैरों का वैक्स हो जाए रिका वैक्स से, तो थोड़ी ऑयल की मदद से पैरों की मालिश कर देनी चाहिए, इससे थोड़ा पैरों को आराम मिलता है। या तो फिर जो मसाज क्रीम आते हैं ना पार्लर में, या फिर कोई भी आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, अगर आप घर पे कर रही हैं तो मॉइस्चराइज़र हो तो वो आप ले लीजिए हैंड्स पे और पूरे लेग पे ऐसे लगा लीजिए और थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है पैरों को, क्योंकि जब पैरों से इतने बड़े बड़े बाल निकलते हैं ना, थोड़ी सी झंझनाहट या थोड़ा सा दर्द या थोड़ा सा आपको लगेगा कि दाने वगैरह निकलने वाले हैं, क्योंकि हर किसी का स्किन अलग अलग टाइप से होता है, तो वैक्स के बाद भी पैरों का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मेरा तो वैक्स बहुत ही अच्छे से हो रहा था, मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बहुत जल्दी वैक्स हो गया और गर्म भी नहीं लगा, और दूसरी खुशी कि चलो बहुत लंबे टाइम के बाद हेयर निकलेंगे तो अच्छी बात है। तो रिका वैक्स मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में कराई हूँ, और ये कितने दिनों में हेयर निकलेंगे इसके लिए मैं काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह यूट्यूब में देखी हूँ, सुनी हूँ कि हेयर जो है ना वो 1.5 या 2 मंथ में निकलते हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम रिका वैक्स कर रही हूँ अपने पैरों में, तो देखती हूँ कि मेरे हेयर कितने दिनों में आते हैं। जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी, मतलब मेरी वीडियो तो आती ही रहती है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने रिका वैक्स से जब अपने हेयर रिमूव किए थे तो कितने दिन में हेयर आए थे मेरे पैरों में। तो अब मेरा आगे की तरफ का पैरों में हो गया है, अब पीछे हो रहा है। तो देखिए धीरे धीरे जो वैक्स है ना, जैसे काफ़ी टाइम पहले गर्म हुआ था तो धीरे धीरे वैक्स अब गाढ़ा होने लगा है, और जब गाढ़ा होता है वैक्स ना, थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लगने लगता है वैक्स का। और इस तरह से पूरे पैरों में वैक्स हो रहा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा, मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं फीट से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए, तो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियो जाती है फीट वीडियो की, साथ ही आती है नोज़ ज्वेलरी की भी। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को देखा करिए, मैं आप लोगों को पैरों का ख्याल कैसे रखे, आलता कैसे लगाए और भी बहुत सारी जानकारियाँ देती हूँ। जैसे कि अभी ठंड का दिन है तो मैं वैक्स करा ली, ठंड में काफ़ी आराम से और जल्दी जल्दी वैक्स हो जाता है, पैर भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। और देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर भी वैक्स करा रही हूँ, देखिए यहाँ पर भी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा पैर ओपन होता है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। उसके बाद देखिए जैसे वैक्स पूरा हो गया तो इतना दूर पैरों में ना ऑयल से थोड़ा थोड़ा मसाज किया जाएगा, ताकि जो हमारे पैरों से जो हेयर निकले हैं और जो झंझनाहट हो रही है उसको आराम मिले। और ऑयल की मदद से ही जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत वैक्स लगा हुआ है ना, रिका वैक्स येलो येलो आप देख सकते हैं, तो उसको भी छुड़ाया जाएगा ताकि वो अच्छे से रिमूव हो जाए, क्योंकि ये पानी से नहीं रिमूव होगा, इसको छुड़ाने के लिए ऑयल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑयल से ही जो वैक्स है ना उसको भी रिमूव किया जा रहा है।
तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो पसंद आ रही होगी तो। वैक्स के बाद मैं आपको नेक्स्ट डे अपने पैरों को दिखाने वाली हूँ कि मेरे पैर कैसे दिख रहे थे। तो दोनों पैरों में वैक्स हो चुका है और आपको मैं नेचुरल सनलाइट में आपको दिखा रही हूँ अपना पैर कि इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया है। काफ़ी अच्छा साइन कर रहा था ये वैक्स, हेयर काफ़ी अच्छे निकल गए थे। तो हाफ लेग में ही मैं वैक्स कराई हूँ, रिका वैक्स, और काफ़ी अच्छा हेयर निकल गया है। स्मूथ लग रहा है मेरा पैर, साफ़ सुथरा चिकना सा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं काफ़ी सालों के बाद अपने पैरों में वैक्स कराई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। अगर आप भी कराना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी पार्लर में जाएं और अपना हाथों और पैरों का रिका वैक्स कराएं। और एड़ियों के बारे में अगर जो लोग सोच रहे होंगे बोलने के लिए तो मैं बता दूं कि अभी मैं छठ पूजा की थी और नंगे पैर 3 दिन नदी गई थी और आई थी, जिसकी वजह से मेरे पैरों की एड़ियाँ फट गई है। जल्दी ही आप लोगों के साथ पेडिक्योर की वीडियो शेयर करने वाली हूँ और मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको इसी तरह की और भी वीडियो मिलेगी। और अगर आपका कुछ और भी कुछ कमेंट हो कुछ कहने के लिए तो आप मुझे बता सकते हैं वीडियो में, आप बता सकते हैं अगर कमेंट सेक्शन खुला है तो, नहीं तो आप कम्युनिटी पोस्ट में भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी या फिर किसी वीडियो में भी आपको रिप्लाई कर दूँगी।